गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट 7th लेसन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, मेटल्स तो आप लोग सुना रहेगा, नॉन मेटल्स भी सुना रहेगा। इन लास्ट इयर्स 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड वी आर ऑलरेडी लर्न व्हाट इज अ मेटल व्हाट इज अ नॉन मेटल, इजंट इट? ऑल ऑफ यू नो अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स बोला तो कौन सा कौन सा है, आप लोगों का एक आइडिया रहेगा ना, मेटल्स कौन सा आता है? बोलो। यस, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लैटिनम, ये सब मेटल्स में आते हैं। ठीक है, मेटल्स में बहुत सारे चीज आप लोगों को याद रहेंगे। और मेटल्स जो रहता है वो क्या रहता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए बहुत अच्छे ये रहता है मेटल्स। दे आर ऑल गुड कंडक्टर्स। एंड जो क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है मेटल्स का वो देखते हैं हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या रहता है, फिजिकल स्टेट। तो नॉर्मली क्या रहता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में मेटल्स जो है वो कौन सा स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। सिर्फ दो आइटम जो रहता है वो सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। जो मेटल्स लिक्विड स्टेट में रहता है वो कौन सा है, मर्कुरी और गैलियम। ठीक है, ये याद रखना, मर्कुरी और गैलियम जो रहता है वो कौन सा स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है मेटल्स। नेक्स्ट इज द लस्टर, ये प्रॉपर्टी तो आप लोगों को पता रहेगा ना। जो कॉपर वेसल्स रहते हैं आपके घर में, जो कॉपर वेसल्स रहते हैं वो ऑक्सीजन के साथ उसका मिक्स होने के बाद जब बाहर रखेंगे, आप लोग हवा में रखेंगे, पानी लगने के बाद हवा में रखेंगे, तो कॉपर का बर्तन जो रहता है कौन सा कलर में आ जाता है, चेंज होता है उसका कलर, है क्या नहीं? तो उसको सिर्फ लेमन से आप लोग मिक्स, ये सिर्फ एक रिंस करके देखो तो क्या दिखेगा आप लोगों को, उसके ऊपर लस्टर दिखेगा और क्लीन हो जाता है वैसे दिखेगा। मींस जो कलर उसके ऊपर आता है, ग्रीन कलर जो बोलो, कॉपर के ऊपर ऐसा लाइट ग्रीन कलर में एक लस्टर आ जाता है, कवर आ जाता है, उसका बोलते हैं लस्टर। ठीक है, उसके ऊपर ऑक्सीजन के साथ जब वो मिक्स हो जाता है तो ये लस्टरनेस आ जाता है। नेक्स्ट इज द हार्डनेस। नॉर्मली मेटल्स कौन सा इसमें रहता है, हार्ड रहता है, इसे सॉफ्ट रहता है क्या मेटल्स का भी? आयरन का जो एल्यूमिनियम बोलो वो कौन सा कैसे रहता है, हार्ड रहता है हमेशा। सिर्फ सोडियम और पोटेशियम जो रहता है वो सॉफ्ट रहता है, ये एक्सेप्शनल केस है। सोडियम और पोटेशियम जो है मेटल रहता है लेकिन वो सॉफ्ट रहता है और हम लोग वो चाकू से काट भी सकते हैं। नहीं तो आयरन का चीज कुछ काट सकते हैं कि हम लोग चाकू से? नहीं काट सकते, लेकिन सोडियम और पोटेशियम वी कैन कट विथ नाइफ ऑल्सो। नेक्स्ट इज द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी तो आप लोग सुना रहेगा, जो गोल्ड स्मिथ रहता है वो गर्म करने के टाइम पे गोल्ड को गर्म करके या सिल्वर को गर्म करके वो लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग शेप में बनाते हैं, है क्या नहीं? तो उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। कौन सा शेप चाहिए वो आप लोग बना सकते हैं, दैट इज द डक्टिलिटी। एंड मैलेबिलिटी, एक हैमर करके हम लोग उसका शीट जैसा इसमें चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। गर्म करके, गर्म करने के बाद हम लोग उसको हैमर करते हैं तो हैमरिंग के बाद उसका शेप चेंज होता है, शीट शेप में आ जाता है, उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। एंड कंडक्शन ऑफ हीट तो आपको मालूम है, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा वायर्स यूज करते हैं, कॉपर वायर यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हीट का अलग है और इलेक्ट्रिसिटी अलग है। ठीक है, पहले मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बोला, बाय मिस्टेक। तो इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं पहले, कौन सा मेटल्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर वायर और एल्यूमिनियम फॉर्म। नॉर्मली सबसे ज्यादा कौन सा हम यूज करते हैं, कॉपर वायर यूज करते हैं, लेकिन लीड जो रहता है वो एक्सेप्शन है। ठीक है, जो लीड देखो आपने पेंसिल रहता है, पेंसिल जो रहता है, पेंसिल में जो लीड रहता है ब्लैक कलर का, वो लीड में हम लोग दो लीड को कनेक्शन किया तो उसके थ्रू भी लाइट पास कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम इसमें होता है। लेकिन बाकी का इसमें सब जो मेटल्स रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कंडक्शन के लिए बहुत इजी रहता है या बहुत गुड रहता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए मेटल्स। ओके, लीड इज ए नाइदर ए गुड कंडक्टर और नॉर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट इज द कंडक्शन ऑफ हीट।
कॉपर प्लेट जो रहता है उसका गरम करेंगे तो क्या होता है, बहुत जल्दी वो गरम हो जाता है कि नहीं? तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। सिल्वर कॉपर और एल्युमिनियम ये तीनों बहुत बेस्ट कंडक्टर रहता है हीट का। एंड नेक्स्ट इज द डेंसिटी, मेटल्स को डेंसिटी रहता है ये तो आप लोगों को पता है, सोडियम पोटेशियम लिथियम ये जो छोड़ के बाकी का जो भी मेटल्स रहता है उसका सब डेंसिटी ज्यादा रहता है, और उसका डेंसिटी जो है वाटर से भी ज्यादा रहता है। एंड डेंसिटी ऑफ लिथियम इज 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। लिथियम का डेंसिटी जो रहता है 0.53 रहता है, ठीक है, ओनली 0.53 रहता है, लेकिन रहता है उसको डेंसिटी। नेक्स्ट इज द मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये तो पता है आइस बाहर रखा तो मेल्ट हो जाता है, और पानी हम लोग बॉइल करेंगे तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हर एक मेटल्स को रहता है, सिर्फ नहीं रहता है तो कौन सा है, सोडियम पोटेशियम, ऐसा तीन चार मेटल्स को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहता है। नेक्स्ट इज अ सोनोरिटी, सोनोरिटी तो पता है ना आप लोगों को, जब मेटल्स, दो मेटल्स एक दूसरे को टच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स ऑफ ए वायलिन, जो वायलिन का स्ट्रिंग रहता है एक दूसरे को टच करते हैं तो क्या होता है, सोनोरिटी, एक साउंड आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, सबको समझ में आया नॉन मेटल्स का फिजिकल स्टेट कौन सा है सर, प्रॉपर्टीज कौन सा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सा है मेटल्स का, और उसमें एक्सेप्शन कौन सा मेटल्स रहता है, ये सबको क्लियर हो गया ना। ओके बाय।